आज तुम्हें मैं एक नई बात बताती हूँ। मैम, कौन सी नई बात? अच्छा, ये बताओ कि हमारे शरीर के अंदर में कौन कौन से अंग हैं? फेफड़े, हार्ट, किडनी। वेरी गुड। और हमारे शरीर के बाहर? आँख, नाक, मुंह, कान। वेरी गुड। तुम्हें पता है हमारे शरीर के अंगों के बीच में संपर्क होता है और ये आपसी तालमेल से काम करते हैं। अच्छा, ये बताओ प्राची, कभी खाना खाते समय अचानक तुम्हें खांसी आई? हाँ, कई बार। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी श्वसन नली में हमारा खाना अटक गया। वेरी गुड। तो कभी जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो हमारा खाना आहार नली में न जाकर सांस नली में अटक जाता है, जिसके कारण हमें तेजी से खांसी आती है। चलो हम इसे एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे हाथ में एक कागज की पट्टी है। इस कागज की पट्टी को मैं तुम्हारे नाक के पास रखूंगी। ठीक है, तुम्हें सांस लेनी है और सांस छोड़नी है, और पट्टी को देखना है कि पट्टी में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं। अच्छा प्रिया, ये बताओ जब तुम सांस ले रही हो तो क्या हो रहा है? कागज हिल रही है। तुम्हारे नाक के पास चिपक रहा है। और जब तुम सांस छोड़ रहे हो तो क्या हो रहा है? ये कागज दूर जा रहा है। ठीक है, अब हम ये खाते समय करेंगे। तुम्हारे पास एप्पल है, इस एप्पल को तुम्हें खाना है। ठीक है, और खाते समय हम इस पट्टी को तुम्हारे नाक के पास रखेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, चलो एप्पल खाओ। अभी देख रहे हो तुम, कागज थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, मतलब बीच में हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। अब इस खाने को तुम निगलते समय क्या हुआ? सांस रुक गई। ये कैसे साबित हुआ? क्योंकि ये कागज नहीं हिला। ठीक है, तो हमारी आहार नाल और हमारी श्वास नाल नली के बीच में एक वॉल होती है, और जब हम सांस लेते हैं तो श्वास नली खुलती है, और जब हम भोजन करते हैं तो आहार नली खुलती है। लेकिन जल्दी जल्दी खाना खाते समय कभी कभी सांस नली ठीक से बंद नहीं हो पाती, जिससे खाना उसमें अटक जाता है।